हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में जोधपुर, जो कि सन सिटी के नाम से जाना जाता है, उसके कुछ टूरिस्ट प्लेस की विजिट करेंगे। जोधपुर शहर स्थित ये एक टूरिस्ट पॉइंट है, जो कि मसूरिय पर्वत के नाम से जाना जाता है। शहर से काफ़ी ऊंचाई पर यह स्थित है। एक तरह से ये हिल स्टेशन पॉइंट है, जहाँ पे वेल कंडीशन में पार्क बना हुआ है। राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित टूरिस्ट पॉइंट मसूरिया पहाड़ी पे घूमने के लिए आए हैं। बहुत ही शानदार पॉइंट है ये, तो चलो आज हम देखते हैं। तो हम आज के मंसूरियन पहाड़ी में ये कठोर स्मारक और यहाँ पर भी कठोर स्मारक बना हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेस हैं और भी यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बहुत ही ऊंची हाइट का यहाँ पे ये टावर बनाया गया है, जहाँ से शहर का लुक आपको बड़ा ही शानदार दिखेगा। तो दोस्तों, अब हम जाने वाले हैं वीर दुर्गादास राठौर स्मारक में। आइए, इसके अंदर का मनोरम भव्य दृश्य हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखो, ये एक बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है। सभी सैलानी यहाँ पर आते हैं। ये एक भव्य और मनोरम दृश्य बना हुआ है। हम आपको आज आइए दिखाते हैं इसके बारे में। और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं लोगों के बैठने के लिए भी काफ़ी सारी सीटें हैं और अच्छा माहौल सेट किया गया है और अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। मसूरी पहाड़ी से शहर का दृश्य कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। बहुत ही शानदार लुक दिखता है सिटी का। ये जो गोलाई में आपको नजर आ रहा है, ये बरकतुल्ला खान स्टेडियम है। आईपीएल के मैच यहाँ कराए जाते हैं। इसके अलावा दूर पहाड़ी पे जो आपको ये ऊंचाई पे भवन दिख रहा है, वो जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है। बहुत ही शानदार टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है ये। इसको मोर ध्वज प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम आपको मेहरानगढ़ के किले के बारे में बताएंगे। अगर आपको कभी मौका मिले जोधपुर सिटी आने का, तो आप मेहरानगढ़ किले में ज़रूर जावें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देवें। जोधपुर सिटी राजस्थान की एक फेमस सिटी है। जयपुर के बाद अगर आपको घूमने का मन करे राजस्थान में, तो आप जोधपुर ज़रूर पधारें। यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट पैलेस हैं, जो आपका मन मोह लेता है। यहाँ पर बच्चों के लिए झूलने के लिए झूले भी बनाए गए हैं और आप बच्चों के साथ इस व्यू का और अच्छे से आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर और भी सैलानी देखो आपको घूमते हुए और मनोरंजन करते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों, जोधपुर का ये स्पॉट आपको कैसा लगा, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवे। खेल की शिक्षा विधि से पढ़ाने के लिए सबसे पहले बच्चों को यहाँ पर घुमाने लेकर आते हैं, जिससे बच्चे क्या है खेल खेल के साथ में पढ़ना भी सीखते हैं, क्योंकि बच्चों के विकास के लिए खेल एक महत्वपूर्ण आवश्यक अंग है और इससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं। इससे क्या है, बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास साथ साथ होता है। ये दोस्तों, हम पार्क के पास का ये हिस्सा देखते हैं। ये जो है पश्चिमी शहर है जोधपुर, राजस्थान की सन सिटी के रूप में इसको जाना जाता है। बहुत ही सुंदर शहर है। जयपुर के बाद में जोधपुर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। राजस्थान का सबसे घने बसे हुए शहरों में से एक है ये।
और इसी के पास में जैसलमेर सिटी है जहाँ पे आप रेगिस्तान का लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये मसूरिया पहाड़ी के पास एक और पत्थर वाली पहाड़ी है, यहाँ पर काफी सारे मंदिर बने हुए हैं आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में, और यहाँ पर ये एक आस्था का केंद्र है माना जाता है। जिस पहाड़ी को आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सच में से जो भी दुआएं मांगी जाती है वो सब पूरी होती है। एक बार आप लोग यहाँ पर आए और सच्चे मन से दुआ मांग कर देखें सभी की इच्छा पूरी। बहुत ही सुंदर कलाकृति पहाड़ों के ऊपर बनाई गई है, बहुत ही शानदार व्यू है। तो दोस्तों जोधपुर सिटी का ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देवे, और हमारा ये वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हमारे चैनल टॉप विजिट को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।